यूपी के मुजफ्फरनगर जनपद के थाना बुढ़ाना क्षेत्र में पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने अपनी उपलब्धियां गिनाई, प्रदेश की भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा। बता दें कि उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एवं सपा प्रमुख अखिलेश यादव के बुढ़ाना आगमन से समाजवादी पार्टी में नई शक्ति दिखाई दी। बुढ़ाना क्षेत्र में पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का गर्मजोशी के साथ स्वागत भी किया गया। मिली जानकारी के मुताबिक अपने मतदाताओं को गठबंधन का संदेश दे गए सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव, करीब 30 मिनट के संबोधन को भीड़ ने हाथों हाथ लिया। समाजवादी पार्टी करेगी कई दलों के साथ गठबंधन। बुढ़ाना में कश्यप समाज के नेताओं ने 18 मांगे रखी हैं। यह बात कही अखिलेश यादव ने। बहुत से गठबंधन होंगे, बहुत से हो चुके हैं। पिछड़े वर्ग ने तन मन से भाजपा को वोट किया, लेकिन उनको धोखा हाथ लगा। यह बात भी अखिलेश यादव ने कही। किसानों की आय दोगुनी नहीं हुई, बल्कि उल्टा आय घट गई और महंगाई बढ़ गई। सुधाकर कश्यप, राजपाल कश्यप और तमाम समाजवादी पार्टी के लोग हैं जिन्होंने मिलकर के बनाया है। हम अपने कश्यप समाज के लोगों को भरोसा दिलाते हैं कि आने वाले समय में जब भी समाजवादी पार्टी को मौका मिलेगा, आपके तमाम समस्याओं का समाधान कर करके और इन मांगों को मांग करके आपके बीच में भी सम्मान दिलाने का। समाजवादी पार्टी कर रही है।